हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक और नए कविता के साथ उपस्थित हो गए हैं जिसका नाम है आत्मत्राण, जिसके कवि है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे, राइट। तो इनका जन्म 6 मई 1861 को धनी परिवार में हुआ था तथा शिक्षा दीक्षा पर घर पर ही हुई। यह नोबेल पुरस्कार करने वाले प्रथम भारतीय है। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से उनके विषय का ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है। बैरिस्टरी पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही वापस आ गए। इनकी रचनाओं में लोक संस्कृत का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इनका गहरा लगाव है। तो आइए कविता में आगे बढ़ते हैं और कुछ काव्यांश पढ़ेंगे, फिर उसका व्याख्या देखेंगे। आत्मत्राण। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं केवल इतना हो। कभी न विपदा में पाऊँ भय दुख ताप से, व्यक्तित्व चित्त को न दो संतवाना नहीं सही, पर इतना होवे। दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ वंचना रही तो भी मन में न मानू भय। तो यहाँ पे कवि इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से कह रहे हैं कि दुखों से मुझे दूर रखे, ऐसे आपसे मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ आप मुझे उन दुखों को झेलने की शक्ति दे। उन कष्ट के समय मैं कभी भयभीत ना हूँ, वे दुख के समय मैं ईश्वर से सांत्वना बल्कि उन दुखों पर विजय पाने के आत्मविश्वास और हौसला चाहते हैं। कोई कभी कष्ट में सहायता करने वाला भी नहीं मिले, फिर भी उनका पुरुषार्थ ना डगमगाए, यानी हिम्मत ना डगमगाए। अगर मुझे इस संसार में हानि भी उठानी पड़े, कोई लाभ प्राप्त ना हो या धोखा ही खाना पड़े, तब भी मेरा मन दुखी ना हो, कभी भी मेरे मन की शक्ति का नाश ना हो। यानी कि हमें भगवान से ये पूरा कर दो वो पूरा कर दो हमेशा नहीं करना चाहिए, बस हमें उनसे शक्ति मांगनी चाहिए ताकि हम अपने अनुसार सारे काम कर सकते हैं। अगर शक्ति है तो हम सारे काम कर सकते हैं, राइट। तो आइए कविता में फिर से आगे बढ़ते हैं। मेरा त्राण करो अनुहदन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं बस इतना होवे। तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके न दो संतवना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय। वहन कर सकूँ इसको निर्भय, नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छीन छीन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही उस दिन ऐसा हो करुणामय। तुम पर करो नहीं कुछ संशय। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे भगवान, मेरी यह प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से छुटकारा दिलाएं, आप मुझे केवल रोग रहित यानी स्वस्थ रखें ताकि मैं अपने बल और शक्ति के सहारे इस संसार रूपी भव सागर को पार कर सकूं। मैं यह नहीं चाहता कि आप मेरे कष्टों का भार कम करें और ढांढस बधाए, आप मुझे निर्भयता सिखाएं ताकि मैं सभी मुसीबतों से डट कर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी आपको ना भूलूं। खुश से भरी रात में जब सारा संसार मुझे धोखा दे यानी मदद ना करे, फिर भी मेरे मन में आपके प्रति संदेह ना हो, ऐसी शक्ति मुझ में भर दे। तो ये थी चैप्टर आत्मत्राण की व्याख्या। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो। अगर क्लास 11 में हैं आप तो 11 के भी प्लेलिस्ट में है, 12 भी है और मैथ्स से रिलेटेड भी है। अगर आप 12 के बाद कोई कोर्स क्या कोर्स ले इसमें कन्फ्यूजन हो तो आपके लिए वो भी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।